गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेसन 5 अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर बाय जेरोम क्लैपका जेरोम, आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक ब्लॉसम से। ओके, सो चलो पढ़ते हैं। यूनिट 1। यू नेवर सॉ सच अ कमोशन अप एंड डाउन अ हाउस इन ऑल योर लाइफ एज व्हेन माय अंकल पॉजर अंडरटूक टू डू अ जॉब। तो नैरेटर लिख रहे हैं कि मेरे अंकल पॉजर जब कोई काम करते थे तो इतना चहल पहल हर उदम मस्ता था घर में कि ऐसा और किसी चीज में नहीं होता था। आ पिक्चर वुड हैव कम होम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप। तो एक पिक्चर आया हुआ था, एकदम उसका फ्रेम वगैरह बन के डाइनिंग रूम में रखा था, दीवार में टांगना था उसको। आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट एंड अंकल पॉजर वुड से। आंट पॉजर पूछती थी कि अरे इससे क्या होना है इस पिक्चर को लेकर, तो अंकल पॉजर कहते थे ओ यू लीव दैट टू मी, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। तो अंकल पॉजर कहते थे कि किसी को चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, अपना कोट उतार के वो काम करना चालू करते। ही वुड सेंड द गर्ल आउट फॉर 6 पेन वर्थ ऑफ नेल्स एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट। घर में बहुत सारे बच्चे थे तो एक लड़की को वो भेजते कि जाओ थोड़ा 6 पेन वर्थ मतलब कुछ पैसे, तो इस पैसे का जो है किल लेके आओ। फिर उनको कुछ और याद आता तो एक लड़के को भेजते उसके पीछे पीछे कि अरे ये तो बोलो जाके कि किस साइज का किल लेना है, क्योंकि वो तो भूल गए बोलना। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, विल एक और बच्चे का नाम है, तो कहते हैं कि जाओ मेरा हथौड़ा लेके आओ। फिर दूसरे बच्चा टॉम से कहते हैं कि गो और तुम जो है मेरा स्केल लेके आओ। आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर। तो उनको एक सीढ़ी की भी जरूरत है, लैडर की और किचन चेयर की। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट। फिर मारिया से कहते हैं कि तुम मत जाओ क्योंकि जब मैं दीवार में किल ठोकूंगा तो मुझे लाइट दिखाना तुम। व्हेन द गर्ल कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बीट ऑफ पिक्चर कॉर्ड। टॉम वेयर्स टॉम, टॉम यू कम हियर, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। और जो लड़की गई है किल लाने, जब वो लौटेगी तो उसको फिर जाना पड़ेगा क्योंकि उसको थोड़ा सा कॉर्ड यानी धागा कह सकते हो, मोटा रस्सी कह सकते हो, जिससे पिक्चर टांगा जाए। फिर टॉम, टॉम कहाँ गए? अब टॉम को उन्होंने ही भेजा है स्केल लाने के लिए लेकिन अभी भूल गए हैं, तो पुकार रहे हैं कि टॉम कहाँ गए हो, जल्दी आओ मेरे मेरे हाथ में जो है पिक्चर को पकड़ाओ। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। अब वो पिक्चर उठाते हैं और गिरा देते हैं। इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम। अब पिक्चर गिर के जो है उसका जो फ्रेम बना हुआ था उससे वो पिक्चर निकल आता है। ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। अभी वो पिक्चर में जो कांच लगा हुआ है उसको बचाने गए तो अपने आप को काट, मतलब उनको ही कट हो गया। देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम, सारा घर वो उछलते रहेंगे क्योंकि उनका हाथ कट गया है ना, लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। अभी खून बह रहा है तो उसको बंद करने के लिए वो अपना रुमाल ढूंढ रहे हैं और कूदते फिर रहे हैं पूरे घर में। He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off and he did not know where he had put the coat. अभी उनको जो अपना रुमाल नहीं मिल रहा है क्योंकि रुमाल है उस कोट के पॉकेट में जो कोट उन्होंने उतार के रखा है, अब कहाँ रखा है ये वो भूल गए हैं। All the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat. अब बच्चे जो हैं जो ये वो सामान लाने के लिए व्यस्त थे, सब काम छोड़ के उनका कोट ढूंढने लगे। वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम। और जब ये लोग ढूंढ रहे हैं कोट को तो अंकल पॉजर जो है चारों तरफ उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं और इनके काम में जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। पूरे घर में एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पता हो कि मेरा कोट किधर है। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन माई इन ऑल माई लाइफ, अपॉन माई लाइफ आई डिडंट। ऐसे मतलब बच्चों का जो है झुंड मैंने जिंदगी में नहीं देखा, 6 के 6 खड़े हों यहाँ पर। एंड यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, वेल ऑल ऑफ द। तो
ऑफ ऑल द सॉरी। तो तुम 6 के 6 हो और एक कोट नहीं ढूंढ पा रहे हो, जो कोट मैंने अभी अभी जो मैंने अभी अभी उतार के रखा है, 5 मिनट नहीं हुआ, तुम सब एकदम बेकार हो। देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट, ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। और ये बोल के वो कुर्सी से उठते हैं तो देखते हैं कि वो कोट के ऊपर ही बैठे थे, और फिर वो कहेंगे कि चलो चलो तुम लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं है, मैंने खुद ढूंढ लिया। व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, ही वुड हैव अनदर गो। आधा घंटा बीत गया, उनका उंगली को जो है बांधा गया, खून को रोका गया, अब वो ग्लास तो टूट चुका था, कांच शीशा, अब वो नया शीशा लगाया गया उस पिक्चर में, तो फिर वो दोबारा ट्राई करेंगे। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट एंड होल्ड हिम देयर, अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, फिफ्थ वुड पास हिम द हैमर, ही वुड टेक ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट। अभी फिर क्या हुआ, दो लोगों ने उनको पकड़ा, दो लोगों ने उनको चेयर पकड़ के रखा, किसी एक ने उसको जो है उनको जो है कील थमाई, एक ने उनको हथौड़ा थमाया। अब जैसे ही ये सारा चीज हुआ, उन्होंने कील जो है गिरा दिया। देयर यू वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन, और फिर वो बोल उठे थोड़ा दुखी होकर कि चलो अब कील चला गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रोवल फॉर इट, अब सारे बच्चे जो हैं झुक के घुटने पे बैठ के कील ढूंढने लगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट बट बाई द टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, चलो कील मिला लेकिन तब तक हथौड़ा गुम हो गया था। वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवंस, 7 ऑफ यू गास्पिंग अराउंड हियर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, कहाँ चला गया मेरा हैमर, मेरा हथौड़ा किधर चला गया, 7 के 7 हो। देखो यहाँ पर थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था 6 हो, यहाँ पे वो कह रहे हैं 7 हो, ठीक है, तो उनको भी थोड़ा मतलब वो डिस्टर्बिंग हो रहा है उनको, और किसी को ये नहीं पता कि मेरा हैमर किधर है। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक है, आज हमने यूनिट 1 पढ़ा, तुम लोग बार बार वीडियो को सुनोगी, यूनिट 1 पढ़ोगी और जो है रीडिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और चलो एक्टिविटी करते हैं। द थिंग विच वुड हैव कम होम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स इज अ पिक्चर, अंकल पॉजर वुड टेक ऑफ हिज कोट, अंकल पॉजर वुड आस्क द गर्ल फॉर 6 pennyworth ऑफ नेल्स, अंकल पॉजर एट फर्स्ट वुड ड्रॉप द पिक्चर। चलो तो बाकी एक्टिविटीज़ हम लोग बाद में करेंगे, ये एक्टिविटी कॉपी में करना है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।